हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे फार्मा नॉलेज यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके लिए इस वीडियो में बताएंगे कि आई फ्लू क्या है, ये कैसे होता है, किससे होता है और इसके सिम्टम्स क्या हैं, आई फ्लू के सिम्टम्स क्या हैं और इसको हम कैसे प्रिवेंट करेंगे, इसको मतलब रोकेंगे कैसे और इसको ट्रीटमेंट, इसको ठीक कैसे करेंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में इसी वीडियो में बात करेंगे। तो देखिए, जो मैंने ये इमेज ऐड की है इसमें साफ साफ मुझे दिख रहा होगा कि आई फ्लू में जो हमारी आई की लिड्स हैं, आई लिड्स हैं मतलब जो पलक हैं और जो आँखें हैं वो कैसी दिख रही हैं, इसमें आँखें जो हैं वो हमें कैसी दिख रही हैं, रेड रेड लाल लाल दिख रही हैं, कैसी दिख रही हैं, लाल लाल, ठीक है। और जो आई लिड्स हैं उन पे क्या हमें दिख रहे हैं, सूजे हुए दिख रहे हैं, मतलब स्वेलिंग दिख रही है, मतलब जो पलक है इसमें क्या होते हैं, सूज जाते हैं। तो सिंपल सी चीज़ है, आई लिड्स में हम केवल दो ही तीन चीज़ें होती हैं। आई लिड्स में क्या होती है, जो आँखें होती हैं वो उसके जो पलक होते हैं वो सूज जाते हैं और जिस इसकी आँखें होती हैं वो लाल लाल पड़ जाती हैं, ठीक है। देखिए, इस वाले स्ट्रक्चर में हम सही से देख सकते हैं, इसमें जो हमारी आईलिड्स हैं वो क्या हैं, सूजी हुई हैं और जो हमारी आँखें हैं वो कैसी हैं, लाल लाल दिखाई दे रही हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं ये कैसे होता है। तो हमारा इसमें पहला पॉइंट है, आई फ्लू इज एन इन्फेक्शन दैट अफेक्ट्स द आई। सिंपल सी चीज़ है, आई फ्लू क्या है, एक इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन डिजीज है जो मेनली मुख्य रूप से किसको अफेक्ट करती है, आई को, आई में हो रही तो आई को ही अफेक्ट करेगी, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, एंड इज यूजली कॉज्ड बाय वायरस बैक्टीरिया एंड एलर्जन। और ये किससे फैलता है, ये किसके द्वारा होता है, तो ये वायरस के द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है एंड अदर एलर्जन रिएक्शंस के कारण होता है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट कैन बी सेपरेट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी फैल सकता है। अब जैसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे फैलता है, मान लो किसी को आई फ्लू ऑलरेडी है, अब उसने कोई रूमाल को यूज किया था, किसी रूमाल से उसने अपना चेहरा या अपनी आंखें साफ की थी, अब वही रूमाल से तुमने अपनी आंखें साफ कर ली तो उसका जो वायरस था, जो वो था वायरस या बैक्टीरिया था, तुम्हें भी आ जाएगा, मतलब उससे उसके रूमाल, अगर उसका रूमाल तुमने यूज किया तो वो तुम्हें भी हो जाएगा। या मान लो उसका टॉवल है, उसका टॉवल है, उसने अपने टॉवल से अपना क्या था, हाँ क्या जो अपना फेस था वो साफ किया था, अब भाई टॉवल तुम यूज कर रहे हो तो वो तुम में भी हो जाएगा। इसे बोल सकते हैं कि ये एक प्रकार की कम्युनिकेबल डिजीज है, मतलब पर्सन टू पर्सन फैलती है। एंड इज नोन एज पिंक आइज, और इसे हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, किस नाम से, पिंक आइज, मतलब इसमें क्या होती है, आँखें जो होती हैं लाल लाल मतलब पिंक कलर की हो जाती हैं, इसलिए इसे पिंक आइज के नाम से भी जानते हैं। इसके सिम्टम्स क्या हैं, इनके बारे में देख लेते हैं। तो इसमें देखिए, हमारा पहला सिम्टम्स है रेडनेस ऑफ आई, मतलब इसमें जो आँखें वो कैसी दिखेंगी, रेडनेस दिखेंगी, लाल लाल दिखेंगी। दूसरा क्या, इरीटेशन, आँखों में क्या होगा, हमें इरीटेट महसूस होगा, खुजली सी मचेगी या एक प्रकार से करकराएंगी, ये क्या है, इरीटेशन होगा आँखों में। तीसरा हमारा पॉइंट क्या है, वाटरी डिस्चार्ज, इसमें क्या होगा, वाटरी माने पानी, डिस्चार्ज माने बहता रहेगा, इसमें क्या अपने लोग बोलते हैं जो आंसू हो जाते हैं वो लगातार आते रहते हैं, इसे बोलते हैं वाटरी डिस्चार्ज। चौथा क्या, ग्रीन येलो डिस्चार्ज, मतलब ग्रीन और येलो कलर का डिस्चार्ज होगा, तुमने देखा होगा सुबह अगर उठो तो हमें पीला पीला एक प्रकार से, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं कि उनमें क्या है, पीला पीला पदार्थ लग गया है, ठीक है, तो वो डिस्चार्ज होता रहता है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आई लिड्स में स्टिक टूगेदर इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग में क्या होता है, जो हाँ मतलब कीचड़, पीले पीले क्या आते हैं, कीचड़ आते हैं, और तुम मॉर्निंग में जब उठोगे तो तुम्हारे जो आई होते हैं, आई लिड्स होते हैं, वो आपस में चिपक जाते हैं, क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, जिस कब, मॉर्निंग के समय। और हमारा नेक्स्ट सिम्टम्स क्या है, आईलिड स्वेलिंग। अभी जो तो मैंने बताया भी था पहले भी कि आई, इसमें क्या होता है, जो आईलिड्स होते हैं उनमें स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है, ठीक है। और हमारा लास्ट सिम्टम्स क्या है, सेंसिटिविटी टू लाइट्स, लाइट से हमें मतलब दिक्कत होने लगती है, एलर्जी होने लगती है, मान लो अगर हमारी आँखों पर लाइट पड़ेगी तो हमें बहुत ही ज़्यादा मतलब एक प्रकार से बेकार मतलब महसूस होगा, एक प्रकार से अगर हमारी आंखों पे लाइट पड़ती है तो हमें दिक्कत होने लगती है, ठीक है। तो ये सब क्या हो गए, इसके सिम्टम्स हो गए। अब हम इसके प्रिवेंशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। देखिए, इसको हम कैसे प्रिवेंट करेंगे, तो पहला हमने लिखवाया है, वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर टचिंग आइज और फेस, मतलब आँखें छूने से पहले, आँखें छूने के बाद, चेहरा छूने से पहले, चेहरा छूने के बाद हम अपने हाथों को क्या करेंगे, साबुन से अच्छी तरह से धोएंगे, ठीक है। और क्या करें, डोंट यूज ड्रॉप ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। अगर मान लो किसी को आई फ्लू है अगर, और वो किसी ड्रॉप को यूज कर रहा है, तो हम उस ड्रॉप को यूज नहीं करेंगे, नहीं तो हमें भी आई फ्लू हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अवॉइड शेयरिंग टॉवल्स पिलोज एंड बेडशीट।
उसकी हम तौलिया, उसकी तकिया, उसकी बेड शीट को हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये कम्युनिकेबल डिसीज है, पर्सन टू पर्सन हो रही, तो उसकी किसी भी चीज़ को हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट का अवॉइड क्लोज टू कॉन्टैक्ट, मतलब उसके कोई मान लो किसी को आई फ्लू है तो उसके कॉन्टैक्ट में नहीं जाएंगे, उसके कॉन्टैक्ट में जाने से बचेंगे। ठीक है, लास्ट पॉइंट का एंड यूज्ड एज ब्लैक कलर सनग्लासेस, जिसको आई फ्लू है वो भी ब्लैक कलर का सनग्लास पहन सकता है, जिसको नहीं है वो अपने बचाव के लिए ब्लैक कलर का चश्मा पहने रहे तो ज़्यादा बेटर। अब इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले हम ट्रीटमेंट में क्या देंगे, इसको ड्रॉप देंगे। कौन कौन से ड्रॉप दे सकते हैं, सिप्लॉक्स ड्रॉप दे सकते हैं या माफ्लॉक्स डी ड्रॉप दे सकते हैं। ये दोनों ड्रॉप बहुत ही बेस्ट क्वालिटी के हैं, बहुत ही बेस्ट कंपनी के हैं, तो ये दोनों हम ड्रॉप दे सकते हैं। सिप्लॉक्स डी में क्या होता है, देखिए सिप्रोफ्लॉक्सासन एंड डेक्सामेथासन, सिप्रोफ्लॉक्सासन एंड डेक्सामेथासन। एंड माफ्लॉक्स डी में क्या होता है, मॉक्सिफ्लॉक्सासन एंड डेक्सामेथासन। सिप्रोफ्लॉक्सासन भी एंटीबायोटिक होती है और मॉक्सिफ्लॉक्सासन भी एंटीबायोटिक होती है, और डेक्सामेथासन जो हमारा वो होता है वो एंटी एलर्जिक होता है। ठीक है, तो ये हम दोनों ड्रॉप दे सकते हैं। इस कंपनी के नाम वाले तो कई भी अदर कंपनी है, लेकिन साल्ट यही होने चाहिए तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, अब इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो देखिए ये सिंपल सी चीज़ है, तो मैंने क्या बताया था, जब आई फ्लू होता है तो इरिटेशन होता है आँखों में, तो इरिटेशन को कम करने के लिए हम कोई सी टैबलेट लेंगे या नहीं लेंगे, हालांकि ड्रॉप से भी फायदा होगी लेकिन हमें कुछ ड्रग्स भी, दवाई भी, मेडिसिन भी लेनी पड़ती है। देखिए जैसे लीकोप टैबलेट है, तो हम इसमें क्या करेंगे, लीकोप टैबलेट देंगे जिसमें क्या होता है, लीवोसिटर्जिन होता है। अगर लीवोसिटर्जिन ना हो तो केवल सिटर्जिन भी ले सकते हैं। ठीक है, तो या लीवोसिटर्जिन या सिटर्जिन टैबलेट ले सकते हैं। उसके बाद देखिए हम आँखों में जब आईलिड्स में स्वेलिंग होती थी, तो उन स्वेलिंग को कम करने के लिए और उसको पेन को कम करने के लिए हम कुछ अदर्स दवाई भी लेंगे, जैसे कि आइबुप्रोफेन, ब्रूफेन नाम से आती है, ये क्या करेगी, जो हमारी आँखों में दर्द हो रहा है उसको कम करेगी। दूसरा क्या है, जीरोडाल एसपी, इसमें क्या क्या होता है, इसमें एसिनोफिनेक होता है, प्लस पैरासीटामॉल होता है, प्लस क्या होता है, सेराटियोपेप्टिडे। सेराटियोपेप्टिडे जो होता है वो क्या करता है, जो हमारी स्वेलिंग होती है आँखों में, इन्फ्लामेशन होता है, उसको कम करता है। तो इस प्रकार से हम ये सभी मेडिसिन ले सकते हैं। ठीक है,